तो मित्रों आप देख रहे हैं खेती बाड़ी चैनल यूट्यूब पर, और खेती बाड़ी से संबंधित फल फ्रूट आम के पौधे सब्जी भाजी गेहूँ सोयाबीन गन्ना सभी खेती बाड़ी में आते हैं, इसलिए मैं जितना खेती बाड़ी में होता है उससे संबंधित आपको जानकारी दूंगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप अभी देख रहे हैं कि ये कटहल का पौधा है, कटहल लगे हुए हैं और इसमें क्यों फल लगे हुए हैं इसका भी कारण दिखाता हूँ कि इतने फल क्यों ज़्यादा आ रहे हैं। और इस वीडियो का मतलब यह है कि आप मेरा सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन के आइकन की घंटी दबा कर रखिए, ताकि आप कलम आम की कलम करना चाह रहे हो तो मैं आप तक बिल्कुल कब कलम करना है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा दूंगा कि इस टाइम आप कलम करिए, तैयार करके रखिए, फिर कब बांधना है उसका नोटिफिकेशन तत्काल उसी समय मिलेगा कि आपको आप इस समय कलम बांधना है। तो आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा कर रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जिस टाइम में जो काम करना है उसके लिए आप यदि भूल भी गए हो तो मैं आपको याद दिला दूंगा कि आप इस टाइम में ये काम करिए। तो इसमें कटहल लगने का कारण ये है, मैंने ये कोई कलम से तैयार किया हुआ पौधा नहीं है, बीज से उगाया हुआ पौधा है। आपको एक बार मैं पिछले मेरे पुराने वीडियो में दिखाया था कि बीज से कैसे पौधे तैयार करना, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें फल इतने लगे। ये भी एक सब्जी वाला पौधा है, जैसे अपन भट्टा टमाटर मिर्ची के पौधे लगाते हैं सब्जी वाले, उसी टाइप से ये भी एक सब्जी वाला पौधा है। तो सब्जी वाले पौधे में क्या होता है कि उसकी जड़ें टूटना चाहिए, इसकी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं रहती, ऊपर रहती है। आप इधर देख रहे होंगे इस साइड भी खेती हो रही है, आप देख रहे होंगे इस साइड भी मैंने इसको खेती लायक बनाया हुआ है, इस ज़मीन पर यहाँ भी सब्जी लगाई हुई है, कुछ गोभी के पौधे कुछ मिर्ची के छोटे हैं, दिख नहीं रहे होंगे बराबर। तो इसमें कल्टीवेटर चलाता रहता हूँ और इसमें पानी भी चलते रहता है, तो पानी पौधे को भी मिलता है और मेरी सब्जी भी हो जाती है। कटहल के पौधे को पानी की आवश्यकता बहुत सख्त रहती है, गर्मियों के समय में आपने पौधे लगा दिए और बोले कि यार पौधे तो लगे हैं बड़े पौधे, पानी की आवश्यकता वो तो खुद ही कर लेगा। यदि आपने पौधे में पानी नहीं डाला तो दूसरे वर्ष उसमें फल बहुत कम आएंगे, इसलिए उसको गर्मी में पानी, बारिश में तो पानी रहती है, ठंडी के समय भी लगभग मौसम में ज़मीन में नमी रहती है, बड़े पौधे हैं तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त तो कर, लेकिन गर्मी में पानी यदि नहीं देते हो तो आप इसका प्रैक्टिकली देखोगे कि इसके पत्ते चीम कर गिरने लगेंगे। तो गर्मी में पानी देंगे तो अब आपको अगले वर्ष इसकी फसल मिलेगी। आपको वो पेड़ दिखाया उसमें फल लगे हुए हैं, दूसरा पौधा ये है, अब इसमें भी देख रहे हैं कि बिल्कुल झुकते के झुकते बिल्कुल ऐसे जैसे कि बहुत कुछ ज़्यादा ही फल लगे हैं, है ना। कटहल का उत्पादन अच्छा आ जाता है, लेकिन बस सिर्फ ज़मीन तो आजू बाजू उसकी नंगराई मतलब खुदाई होना चाहिए और पानी टाइम टाइम पर मिलते रहना चाहिए। ये हो गया कटहल का। हाँ तो आप ये देख रहे हैं आम का पेड़, ये कलम करा हुआ पेड़ है, आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ से कटा हुआ है, इसमें कलम और पौधा दिखाइए कि कैसा बना है, पूरा घेर बना हुआ है चौड़ाई में और नए अंकुरण आए हुए, इसमें इस वर्ष नए अंकुरण आए हैं, अब अगले वर्ष इसमें फल आ जाएंगे। तो मेरा ये इस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि बहुत से लोगों का कहना रहता है, मैंने इतने वीडियो डाले हैं उसके बावजूद भी ये कमेंट्स आते हैं कि कब कलम तैयार करें, कब बांधे, कब खोले। तो मैं आपको अब आइकन की घंटी दबाकर रखिए, तब कि आपको हर बार सचेत करते रहूँगा ताकि आपको कब क्या करना है। अब अभी आम का सीजन है, अभी आम लगे हुए पौधे में, अब इसके बाद में समय आने वाला है कलम तैयार करने का, फिर उसके बाद में समय आएगा कलम बांधने का। तो आपको आइकन के दिन घंटी आपने दबा कर रखी है तो आपके पास में मेरा नोटिफिकेशन जाएगा कि भैया आप इस समय आप कलम तैयार कर लीजिए। तो ये आम के कलम के जो इच्छुक है, जो बहुत से लोगों का देखा है मैंने खेती बाड़ी में कि ज़्यादातर आम की कलम पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो मैं आपको आम की कलम का पूर्णतः जानकारी दूंगा। तो आप सब्सक्राइब करके और आइकन की घंटी दबा कर रखिए, धन्यवाद। ये नींबू का पौधा है, इसकी भी आपको एयर लेयरिंग करना सिखाऊँगा। वैसे तो वीडियो मेरा एयर लेयरिंग वाला डला हुआ है, आपको उसमें दिखाया भी है, लेकिन फिर से एक बार और वीडियो बनाकर डालूंगा क्योंकि बहुत से भाइयों के बहुत से कमेंट्स आए, उनको आधी अधूरी जानकारी लगती है मेरी, तो मैं अब उसको पूर्णतः जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी देख रहे हैं कि इसमें फल किस तरीके से और किस मात्रा में लगे और इसको किस तरीके से लेना है, फल नहीं आते हैं, फूल झड़ जाते हैं और क्यों झड़ जाते हैं और फल कम क्यों लगते हैं, इसका भी आपको कारण बताऊँगा। लेकिन आप मेरे वीडियो हर वीडियो को ध्यान से देखा करिए।